कि उन्होंने कंप्लेन किया है, उन्होंने कंप्लेन किया, उन्होंने बताना चाहा है कि ऐसी बातें चल रही हैं और इसको संज्ञान, त्वरित संज्ञान लिया जाए, क्योंकि जो इतिहास रहा है अभी आपकी जो सत्ताधारी पार्टी है केंद्र में, इतिहास आप देख ही रहे हैं, बाकी प्रदेशों का हाल, कहीं ऐसा हाल यहाँ का भी ना हो जाए, फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी के लोग हैं, क्या है, लेकिन ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पे, अगर संज्ञान में आया है तो उसको बताना गलत कहाँ है। पूरे प्रकरण से और इसमें जो रिपोर्टें आ रही हैं, संसदीय तो विधायक हैं, वो खरीद बिक्री हो रही है, सरकारें बनती रही और झारखंड पहले से रहा है, लेकिन जब से खास करके पहले तो ये इक्का दुक्का प्रयासों से होता था, एक दो विधायक बिकते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनी है तो जहाँ जहाँ भी गैर भाजपा सरकार है तो वहाँ ये संगठित तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, वो चाहे पिछले दिनों कर्नाटका हो, पिछले दिनों जो है वो मध्य प्रदेश हो, और झारखंड में भी यह भी संगठित रूप से ये कवायद की जा रही है, और जिस तरह के लोगों को इनमें इन्वॉल्वमेंट है आप उससे देख सकते हैं।